मेष राशि वालों में बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। यदि आप हमारे वीडियो रेगुलर देखते हैं तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि मैंने पहले ही कहा था कि आने वाले दिनों में वक्त बदलने वाला है। जी हाँ, मई में इसकी शुरुआत होने वाली है। मेष राशि वालों, बस आपकी आंखों के बीच में जो भ्रम की दम जुली हुई है उसे निकालने के लिए, आपकी नजरों में नकारात्मक की दीवारों को तोड़ने के लिए मैं आपको एक ऐसी जानकारी से अवगत कराने के लिए आया हूँ जिसे जानकर आप न केवल प्रसन्न होंगे किंतु खुशी से झूम भी उठेंगे। क्योंकि मेष राशि वालों, आपके राशि स्वामी नौकरी उच्च पद प्रदान करने वाले सूर्य ग्रह 15 मई से आपकी कुंडली में विद्या भवन के लोड होकर धन भाव में स्थित है, तो दूसरी ओर गुरु स्वयं भाग्य व विदेश भाव के लोड होकर लाभ भाव में धन दौलत पैसे प्रदान करने वाले है। 5 मई से शुक्र ग्रह धन भाव प्रेम भाव के लोड होकर विद भाव में स्थित है, जो आपके लिए बहुत ही अनुकूल युति बनाते हैं। कुंडली में पराक्रम एवं रिपु के लोड होकर बुध आपके मारक भवन में स्थित है, जो एक उत्तम प्रकार के सुख की ओर इशारा कर रहे हैं। इस गोचर के आधार पर कैसा रहेगा मई 2021, कैसे किस तरह से मिलेंगे मौके, कितना लाभ ले पाएंगे, आइए जानते हैं। मेष राशिफल 2021 के अनुसार मई का महीना आपके लिए कार्य व्यापार की दृष्टि से अति उत्तम सिद्ध साबित होने वाला है। काफी दिनों से चली आ रही आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलने के योग बन रहे हैं, जिसका लाभ आपको कार्य क्षेत्र में वरदान के रूप में प्राप्त होगा। इसलिए कोई भी बड़े से बड़ा कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं या फिर नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं तो मई का महीना आपके लिए बेहतरीन सफलता दिलाने के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। मैंने पहले ही कहा था कि आने वाले समय में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, आंधी तूफान महामारी जैसे भयंकर हालात के साथ कोरोना जैसी महामारी का खतरा भी बढ़ेगा, किंतु इसका किसी प्रकार का असर आपके व्यापार कर्म क्षेत्र नौकरी धंधा बिजनेस में नहीं दिखाई देने वाला, और ये बात सच भी होती नजर आ रही है। निश्चित तौर पर 1 मई से लेकर 31 मई के बीच में मुख्य रूप से आपके कार्य और बिजनेस की गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ती नजर आएगी। यह महीना मुख्य रूप से आपके करियर के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस समय कर्मदाता शनिदेव आपके ऊपर अपार धन के साथ कृपा बरसाने वाले हैं। थोड़े ही दिनों में आपकी कई अटकी हुई योजनाएं पूर्ण होगी तो अच्छा खासा धन लाभ प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र एवं पारिवारिक जीवन में जो भी समस्याएं आपको घेरे रहती थी वह बहुत जल्द दूर होती नजर आएगी। साथ में पारिवारिक सुख मिलने के भी महत्वपूर्ण योग बन रहे है। 1 मई के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित वह लोग होते दिखाई देंगे जो कई महीनों से अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, प्रयत्नशील है, अपने लायकात एवं योग्यता के बावजूद भी कर्म क्षेत्र कार्य क्षेत्र से जुड़ने में नाकामयाब रहे हैं, आर्थिक स्थिति को लेकर भी चिंतित नजर आ रहे हैं। इस महीने की अवधि निश्चित तौर पर नई नौकरी एवं कार्य की संभावना देकर जाएगी। हम आपको लिख कर दे सकते हैं कि इस महीने में आपकी आर्थिक स्थिति, परिवार, प्रेम, रोमांस, शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आने वाले समय में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने वाला। जो अपने व्यापार को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं, उन्हें मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस महीने में आपको धन संचय करने के अच्छे मौके प्राप्त होंगे। इस दौरान आप व्यापार में मुनाफा कमा सकेंगे, यहाँ तक रुका हुआ धन मिलेगा, फंसे हुए पैसे पुनः प्राप्त होंगे, पैसे का आवागमन चलता रहेगा और आप अपने हरीफ शत्रुओं को परास्त कर पाने में सफल होने से व्यापार भी अधिक होगा और आमदनी भी अधिक मिलेगी। निश्चित तौर पर इस समय बिजनेस में आपको उचित लाभ मिलेगा। यकीनन महीने के अंत तक आप व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सफल रहेंगे, क्योंकि धन प्राप्ति के महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं जो आपके व्यापार की गति को तेज रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। खासकर जो लोग सरकारी संस्था प्राइवेट सेक्टर में कार्य करते हैं, उन्हें पदोन्नति एवं सैलरी में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को जबरदस्त योग बन रहे हैं। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा तो अनुभवी व्यक्ति का भी यह लाभ मिलेगा। खासकर जो अपने दम पर कारोबार करना चाहते हैं, नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, उन्हें इस समय में मन से कार्य करना होगा, क्योंकि इस समय आपको सफलता तो प्राप्त होगी, साथ में व्यापार या कारोबार में उचित लाभ भी मिलेंगे। धन भवन में सूर्य शुक्र की युति सरकार से संबंधित विभागों में रुके हुए कार्यों को निपटारा करने में मदद करेगी, तो वही विद्यार्थी जातक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा में सफलता अर्जित कर पाएंगे। सर्विस के लिए आवेदन करना पूर्णतः सफल रहेगा। यहां तक आपको इस समय राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार में किसी पद पर बैठने का मौका मिलेगा। विदेशी संस्था से भी आपको बुलाया जा सकेगा। यहाँ तक विदेश से संबंधित किसी व्यक्ति के साथ आपके नए अनुबंध बन सकते हैं, उसके साथ नया रिश्ता शुरू होगा, यहाँ तक शादी का प्रस्ताव मिलेगा।
मेष राशि वालों, यदि आप पुरानी घिसीपिटी जिंदगी चिकर थक चुके हैं तो मान के चलिए इस समय आपको प्रेम सैया एवं भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा। ज्यादा दिन तक इस महीने में आप प्रेम से वंचित नहीं रह पाएंगे। नई मुलाकात होगी, नए रिश्ते की शुरुआत होगी, यहाँ तक कॉलेज ऑफिस घर के आसपास नए संबंध बनेंगे, किसी से बात हो सकती है, विवाह का भी चांस मिलेगा। उन जातकों को सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी जो अपने विवाहित जीवन को लेकर थक चुके हैं। जी हाँ, मई 2021 प्रेम प्राप्ति के योग बना रहा है, जिसके चलते आपके दोनों में बीच में चल रही तनातनी दूर होगी। नव दंपति के लिए संतान प्राप्ति अथवा प्रादुर्भाव के भी योग बन रहे हैं। निश्चित तौर पर संतान संबंधी चिंता से मुक्ति मिलेगी। मेष राशि वालों, 1 मई से लेकर 31 मई के बीच आपको एक ऐसा भी मौका मिलेगा जो आपकी जिंदगी में बदलाव का कारण भी होगा। कोर्ट कचहरी के फैसले आपके पक्ष में रहेंगे तो वही जमीन मकान संबंधित लाभ मिलेगा, पैतृक संपत्ति का अधिकार मिलेगा। मेष राशि वालों, इस महीने आप अपनी क्षमताओं का, अपने स्किल का भरपूर उपयोग करते हुए विभिन्न अवसरों का लाभ उठा पाएंगे, जिसके चलते निश्चित तौर पर इस महीने में आमदनी के साथ सफलता अर्जित कर पाएंगे। बड़ी जिम्मेदारी प्राप्त होगी तो वही गुरु ग्रह की कृपा के चलते आपकी मानसिक परेशानियां भी दूर होगी। विशेषकर नौकरी बदलने वाले लोगों को उन्हें मनचाही नौकरी प्राप्त होने से अच्छे धन लाभ के स्रोत जुड़ेंगे। इन सब के बावजूद भी राहु ग्रह की स्थिति आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानी पैदा कर सकती है, इसलिए बिना वजह घूमना फिरना बंद करना होगा, वरना आप अपने और अपने परिवार के लिए घाव तक साबित हो सकते हैं। बस थोड़े दिनों की बात है, घर पर रहे, स्वस्थ रहे। जय गुरुदत्त।